सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं। लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी। मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनकी फोटो पर हार भी चढ़ाया। फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है। तिलक साहब जिंदा है? तिलक? हाँ। अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है। रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने? मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। बैठिए मैडम, बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है, तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? अरे बेटो, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियों कौन है? लेकिन भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हूँ? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। अरे मैं बोला चिंता क्यों कर रहे हैं? फुल सेटिंग कर लेते हैं हम लोग। एक मिनट। जानते हैं मेरे बाप कौन है? भाई साहब कौन नहीं जानता। 1892 में वो पहले भारतवासी थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे। उनकी किताब पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने ही अंग्रेजों की लूट के बारे में हम हिंदुस्तानियों की आंखें खोल दी थी। आप पारसी लोग जो हैं, हमारे देश की शान हैं। मैं आपको पारसी दिख रहा हूँ? आप पारसी नहीं है? आप पारसी नहीं है, है? आप दादा भाई नौरू जी के बेटे? मतलब ये रोड आपके बाप की नहीं है? मैंने कब कहा ये रोड में बाप की है? तो फिर बिना सीट बेल्ट पाए फोन से गल करते हुए शर्म नहीं आती तुहानू? हेलो, पैसे पार देना। पाजी, फर्ज करो ए रोड मेरे बाप दी होंदी, फिर ते मैं उन्नू भी फड़ लैंदा। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप के नहीं है।